हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। मैं हूं प्रियंका। हम आज करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, यानी कि ज्योमेट्री का पार्ट। अब क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है तो इसे मैं यहाँ पे बोर्ड पे तो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, तो चलो मैं लेकर के चलती हूँ तुम्हें अपने प्रॉपरली कॉपी पेन के साथ में, और फिर दिखाती हूँ अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ओके, तो हम आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हम सीखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो सबसे बेसिक होता है 60 डिग्री बनाना, वो कैसे बनाते हैं देखो। तो हमने एक स्केल लिया, 60 डिग्री बनाने के लिए हम कुछ भी एक मेजरमेंट ले लेते हैं, कोई भी ऐसा लाइन खींच लेते हैं। तो हमने एक लाइन खींची ऐसे अपने मन से कुछ भी, और इसका नाम कुछ भी दे दो, ए बी। अब समझ लो मुझे यहाँ पे ए पे 60 डिग्री बनाना है। तो 60 डिग्री बनाने के लिए हम कोई भी आर्क लेते हैं, कुछ भी मेजरमेंट का आर्क लो। ए को ए पर कंपास का निब रखो, एक आर्क काटेंगे ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ ये जो ए बी लाइन को यहाँ क्रॉस कर रहा है वहाँ पे रख के निप को सेम आर्क काटेंगे। ये आर्क जो है ये टेढ़े या कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो अपना कंपास उस हिसाब से रखना, थोड़ा सा टाइट रखना और ज़्यादा भी नहीं। अब ये जो पॉइंट है क्रॉस वाला और इसको ए को जॉइन करते हुए हम एक लाइन खींचें, और ये हमारा एंगल एग्जैक्टली 60 डिग्री बन गया। हम मेजर करके देख लेते हैं ये एंगल एग्जैक्ट 60 डिग्री बना है कि नहीं। तो देखो ये जो पार्ट है इसको हम इस लाइन को इसके पास रखते हैं बिल्कुल, और अब देखो मेजर किया, ये देखो 60 डिग्री लाइन पे एग्जैक्टली 60 डिग्री बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 60 के बाद नेक्स्ट आता है, हम सीखेंगे 120 डिग्री, 60 का डबल 120 डिग्री। सो 120 डिग्री बनाने के लिए क्या करना है एक्चुअली हमें, कि ये जो 60 डिग्री वाली लाइन है ना, हम इसी में आगे बना सकते हैं, बट ठीक है मैं एक बार प्रॉपरली फिर से बना देती हूँ। तो यही 60 डिग्री वाली लाइन है, फिर से मैंने बनाया, इधर देखो यहाँ पे खींचा, सेम 60 बना रहे हैं, ठीक है। समझ लो ये वाला पॉइंट है, तो हमने अपने मन से कुछ भी आर्क लिया, उस आर्क से मेजरमेंट काटा, फिर से सेम आर्क से मेजरमेंट काटा, अभी वही मेजरमेंट हम फिर से एक बार काटेंगे, ठीक है। अब बाई चांस तुमने आर्क थोड़ा छोटा बनाया तो देखो ये क्रॉस नहीं होगा, तो फिर से तुमको डबल काम करना पड़ेगा, इसीलिए आर्क थोड़ा सा बड़ा ही बनाना चाहिए, दो दो बार काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आर्क हमने ऐसे बनाया था, उसके बाद में एक बार यहाँ से काटा, ये 60 हुआ, फिर यहाँ पे रख के फिर से काटा, तो यही 120 हो गया। तो इस पॉइंट और ये 120 वाला जो हमने अभी क्रॉस बनाया, इसको जॉइन करके एक लाइन खींच दो, और ये बन जाएगा तुम्हारा 120 डिग्री वाला एंगल, ओके। चलो इसको भी मेजर करते हैं। तो हमने इस पे एकदम ये ज़ीरो को रखते हैं, इन दोनों को, ये देखो ये लाइन ऊपर जा रही है, इसको ठीक करते हैं, ओके अभी ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेजरमेंट करें, ये हो गया, ये 120 डिग्री के ऊपर वाली लाइन है, ओके। नेक्स्ट आता है ना 30 डिग्री। नाउ 30 डिग्री क्या होता है, ये 60 का हाफ होता है। तो किसी भी एंगल का हाफ बनाना हो तो उसका क्या तरीका है, तुमको सबसे पहले वो एंगल बनाना पड़ेगा जिसका तुमको हाफ बनाना है। तो मुझे क्योंकि 60 का हाफ 30 बनाना है, तो मुझे पहले ऐसे पूरा 60 बनाना पड़ेगा। तो समझ लो ये पूरा कंस्ट्रक्शन तो मैंने कर लिया, 60 तक बना दिया, ठीक है। अब इसका आधा कैसे करें, तो हम कंपास लेंगे, और ये जो मेजरमेंट है देखो मैं इसका नाम दे देती हूँ तो क्लियरली तुमको दिखेगा, यहाँ पी है और ये जो है लाइन ये क्यू। तो ये जो पी क्यू आर्क है इससे आधे से ज़्यादा की दूरी लेनी है, तो मैं पी पे रखती हूँ कंपास का निडल, हाँ आधे से ज़्यादा दूरी ऑलमोस्ट क्यू तक ही है, बराबर है, चाहो तो इतना लो चाहो कम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आधे से ज़्यादा। यहाँ से मैंने एक इस साइड आर्क काटा पी से, फिर क्यू पे रखा और क्यू से आर्क काटा, और उसके बाद में इस क्रॉस के साथ इसको ज्वाइन कर दो और थोड़ा सा आगे खींच दो। तो ये जो तुम्हारा एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो हमने मेजर किया, ये लाइन ये लाइन ये बिल्कुल 30 डिग्री पे जा रही है,
ओके सो हमने किया 60, 120, 30 ओके अभी हम नेक्स्ट करते हैं 90 डिग्री तो यहीं पे बना देती हूँ मैं 90 डिग्री का लाइन तो 90 डिग्री के लिए हमको क्या करना है कोई भी एक लाइन खींचिए सो ओके ये खींच दी इसका नाम दे दो सो दे दिया कुछ भी ए बी अब हमको समझ लो ए पे एक 90 डिग्री बनाना है 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर होता है तो उसके लिए बिल्कुल 60, 120 तक तो हमको काम करना ही पड़ेगा तो हमने कोई भी मेजरमेंट का आर्क लिया ए से वो आर्क थोड़ा बड़ा कर देते नहीं तो दो बार करना पड़ेगा सो ये किया एक बार 60 डिग्री ये 120 अब देखो ये मैंने 60 पे ही रखा हुआ है 120 का आर्क ऐसे काटा और ये 60 पे ही रखा हुआ है यहाँ आर्क काट के एक बार ऊपर भी काट दो इसी से दो बार एक बार 120 के लिए काटा एक बार ऊपर काटा और सेम मेजरमेंट से अभी 120 से भी वहाँ पे काट दो सो यहाँ एकदम क्रॉस पे रख के यहाँ काट दिया बस अब ये जो क्रॉस है इस क्रॉस और इस ए को ज्वाइन करके लाइन खींचो और ये एकदम 90 डिग्री बनेगी सो ये एक क्रॉस का पॉइंट से इस पॉइंट तक हम ज्वाइन कर देते हैं और आगे खींच देते हैं सो ये जो बना ये बना हमारा 90 डिग्री ठीक है चलो मेजर करते हैं सो मेजर करने के लिए अगेन बिल्कुल बीच में रखा ज़ीरो तक रखा और ये देखो ये 90 डिग्री वाली लाइन के ऊपर जा रहा है ओके 90 डिग्री सो हमने क्या सीखा हमने सीख लिया 90 डिग्री भी बनाना अब 90 का हाफ क्या होता है 45 डिग्री तो देखो अभी इसको हाफ करना होगा तो क्या करेंगे 90 डिग्री वाला जो आर्क है वो कहाँ कहाँ कट कर रहा है लाइन को देखो एक इधर इसको पी दे देते हैं एक इधर कट कर रहा है इसको क्यू दे देते हैं तो बस ये पी क्यू का आधा से ज़्यादा जैसे हमने 30 बनाया था वैसे यहाँ 45 तो पी क्यू का आधा से ज़्यादा ले लें ठीक है एक बार इधर आर्क काटो और एक बार इधर और इस क्रॉस को ए पॉइंट से ज्वाइन कर दो ओके और ये बन गया हमारा 45 डिग्री लेट्स मेजर इट तो ये हमारा बिल्कुल 45 डिग्री लाइन पे है सी ओके सो हमने बना लिया अभी तक 60, 120, 30, 90, 45 चलो एक और बता देती हूँ इनके अलावा ये बिल्कुल बेसिक है ये तो आने ही चाहिए अभी इसके अलावा एक और जो है एंगल वो भी करते हैं हम ओके चलो दो एंगल कराती हूँ एक एंगल नहीं क्योंकि ये दोनों इम्पॉर्टेंट है तो ये करा देंगे तो हर तरीके के एंगल फिर बना पाओगे नाउ 75 डिग्री 135 डिग्री ओके सो 75 डिग्री एग्जैक्टली क्या होता है ये 90 और 60 के मिडिल में आता है करके देखो इसे 90 और 60 का मिड पॉइंट क्या होगा 90-60 को ऐड करो होता है 150 डिवाइडेड बाई 2 करो तो आता है 75 डिग्री तो हमको 90 और 60 का बाइसेक्टर बनाने से 75 आ जाएगा तो हमको यानी ये दो एंगल चाहिएंगे तो हम सबसे पहले इन खींचा लाइन सेगमेंट करो सो ये रहा हमारा लाइन सेगमेंट ओके इसका नाम दे दिया कुछ भी ए बी और फिर हम अब इस ए पे हम बनाते हैं 90 डिग्री और 60 डिग्री तो पहले कुछ भी मेजरमेंट का आर्क फर्स्ट स्टेप उसी आर्क से 60 का मार्क और 120 का मार्क और फिर 90 के लिए एक बार ऊपर आर्क और यहाँ से लिया एक बार इधर आर्क ओके अब ये 90 की लाइन ए से ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमने ज्वाइन किया ओके ये हमने ज्वाइन कर दिया ये 90 की हमारी लाइन हो गई अब ये जो लाइन है हमको इसका 75 डिग्री है तो देखो ये 90 और ये रही 60 तो 90 और 60 के बीच से कोई लाइन जानी चाहिए तो अब इन दोनों पॉइंट का हम बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे यहाँ मैं नाम नहीं लिख रही पॉइंट थोड़ा सा डार्क कर दिया ये 60 है और ये 90 है इनका बाइसेक्टर तो मुझे एक आर्क चाहिए जो 60-90 के आधे से ज़्यादा होना चाहिए तो सही ये आधे से ज़्यादा ही है काफ़ी ज़्यादा है तो मैंने एक बार लिया 60 पे इससे मेजरमेंट से एक आर्क काटा ऊपर की तरफ सेम मेजरमेंट लेकर के 90 से लो और यहाँ आर्क काट दो
और उसके बाद में इन दोनों को, मतलब ये जो क्रॉस है और इसको ज्वाइन कर दो ए पॉइंट को। ये बिल्कुल 60-90 के बीच से निकल के जाएगा और होगा हमारा 75 डिग्रीज। ये जो लाइन बनी हमारी, ये मतलब ये एंगल जो है ये हमारा 75 डिग्री। तो देखते हैं ये 75 का है कि नहीं है। तो हमने इसको रखा यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो पे, इससे मैच किया और अब ये लाइन देख रहे हैं हम सी, ये एकदम 75 से होके जा रही है। ओके, अभी नेक्स्ट है 135 डिग्री। तो सोचो 135 डिग्री क्या क्या चीज़ों से बनती है, क्योंकि हमने जो भी सीखा है अब सारे एंगल उन्हीं से आने वाले हैं। तो 135 डिग्री जो होता है वो अगर तुम कैलकुलेट करके देखो तो ये 90 + 45 होता है। ओके, सो 90 + 45 होता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो हमने एक लाइन खींचा, ए बी, और ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे मुझे 90 और फिर उसके बाद 45 भी बनाना है। तो मैंने अपने मन से कोई आर्क लिया, पूरा 90 बना रही हूँ। ओके, पार्ट 60 का आर्क, 120 का आर्क, एंड नाउ 90 वाला पार्ट। ये तो 90 वाला पार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा लाइट ही रखती हूँ क्योंकि मेन लाइन ही दिखनी चाहिए। ये चलो लाइट रख दिया, मुझे मेन 90 का पॉइंट ये चाहिए था, ये मिल गया मुझे। ये तो 90 है, लेकिन मुझे 90 के और आगे चाहिए 45 तक। ओके, सो अभी 45 चाहिए, तो इसका क्या होगा। सी 45 क्या होता है, 90 का आधा। ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन होती है, अगर ये 90 है तो पीछे बचा हुआ भी तो 90 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीका है। अगर तुम इस लाइन को पहले ही, पर कोई बात नहीं अभी हम खींच देते हैं, वही लाइन बिल्कुल मतलब रिट्रेस करो एकदम, यही लाइन को पीछे की तरफ खींच दो, लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, वही लाइन बिल्कुल पीछे की तरफ खींचा हमने। ओके, तो ये जो आर्क था ये यहाँ पे काट रहा था। सो अगर ये 90 था तो बचा हुआ भी तो 90 था, इस 90 का बाइसेक्टर हम खींचते हैं 45, तो ये 90 और इधर का 45 मिलके हो जाएगा 135। तो यहाँ इस 90 का मतलब मैं पॉइंट देखो दे दूँ, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, यहाँ का मुझे बाइसेक्टर चाहिए। तो मैंने एक हाफ से ज़्यादा का दूरी लिया, इस पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क काटा, इस पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क काटा। ओके, और अब इसको इसको ज्वाइन कर दिया। इसको डार्क रहने दो क्योंकि ये मेन लाइन है, क्योंकि सी ये 45 डिग्री मैंने बनाया है तो बचा हुआ भी 45 ही है। तो अब देखो ये 90 + 45 मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये बन गया हमारा 130। तो देखो इसको मेजर करते हैं, अभी 135 होता है क्या। ये सेंटर पे रखा एंड इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखो, और फिर यहाँ स्ट्रेट लाइन पे रख के इसको देखो, ये लाइन 135 से होके जा रही है, राइट। तो ये हमारा हो गया एंगल कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट। सो आई होप ये कंस्ट्रक्शन वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, बस जो जो मैंने बोला वो थोड़ी बहुत चीज़ें ख्याल रखना है कि कैसे कंपास टाइट होना चाहिए, किस तरीके से पेंसिल शार्पन रहनी चाहिए, ये छोटी छोटी सी बातें हैं। ओके, सो प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट कर पाओगे, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स, एटलीस्ट 5 sums अ डे। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और जहाँ तक पहुँचाना है पहुँचाओ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।